नमस्कार दोस्तों, कलाम एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं यूनुस खान एक और वीडियो लेकर आप सभी के साथ हूँ। पिछले वीडियो में हमने शैक्षिक प्रबंधन के पहले पार्ट में, पहले वीडियो में कुछ प्रश्नों को डिस्कस किया था और उसमें हमने कुछ विशेष चर्चा की थी इस संबंध में कि जिस तरीके से कलाम एकेडमी चार भागों में बांटकर पूरे के पूरे सिलेबस को आप सभी के साथ एक नई प्रकार की प्लानिंग लेकर साथ है, उपस्थित है, उसी कड़ी में पहले 25% की तैयारी जैसे कि 16 तारीख से 20 तारीख तक चल रही है, उसी कड़ी में मैं एक बार फिर से आप सभी के साथ हूँ शैक्षिक प्रबंधन की ये दूसरी क्लास लेकर, जिसमें हम कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पहले वीडियो में कुछ विद्यार्थियों के, कुछ छात्रों के सुझाव आए थे और सुझाव में उन्होंने कहा कि शैक्षिक प्रबंधन की इस कक्षा को हम टॉपिक वाइज करें, क्योंकि टॉपिक वाइज करेंगे तो उसमें थोड़ा सा विद्यार्थियों को एक अच्छे तरीके से ज़्यादा नियंत्रित और ज़्यादा कसी हुई सामग्री उन सभी के सामने लाई जा सकेगी, वो विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा हितकारी होगा। और हमने विद्यार्थियों की उसी मांग को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में हम कुछ बिंदुओं पर, कुछ टॉपिक्स पे और उन टॉपिक्स से रिलेटेड सामग्री को इस वीडियो में प्रस्तुत कर रहे हैं। हम इसमें, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि पहले 25% हिस्से में कुल 6 टॉपिक हमने शैक्षिक प्रबंधन के शामिल किए हैं और उन 6 टॉपिक्स में से 3 टॉपिक्स की चर्चा हम आज करेंगे और 3 टॉपिक्स की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो पहले आप ये समझिए कि पहले 3 टॉपिक्स जिनकी चर्चा हम आज करने वाले हैं वो कौन से वाले हैं, उनकी हम बात अभी कर लेते हैं और अंत में, इस वीडियो के अंत में आप सभी के सामने वो 3 टॉपिक्स वो भी आपके सामने पेश किए जाएंगे जिनकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तो वो जो आगे लास्ट में हम 3 टॉपिक्स मैं आपके सामने रखूँगा, उन टॉपिक्स पर आप पहले से आप तैयारी कर लेंगे और उसकी डिस्कस हम अगले वीडियो में करेंगे। तो देखें साथियों, बढ़ते हैं हम सबसे पहले उन टॉपिक्स की, मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं जो टॉपिक्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं, शैक्षिक प्रबंधन अर्थ एवं कार्य। और शैक्षिक प्रबंधन अर्थ एवं कार्य ये पहला बिंदु, पहला टॉपिक, संस्थागत नियोजन ये दूसरा टॉपिक और विद्यालय एक विकेंद्रीकृत इकाई के रूप में ये तीसरा टॉपिक। इन 3 टॉपिक्स पे आज हम कुछ 12 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं और उन प्रश्नों के माध्यम से इन तीनों के तीनों टॉपिक्स को बहुत अच्छे से विस्तृत रूप से समझने का हम यहाँ प्रयास करते हैं। साथियों, पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, आपने इन टॉपिक्स पे पहले से अच्छी तैयारी कर रखी होगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ और उसी में आप अपना मूल्यांकन भी कीजिए और इसके अलावा आप इसमें से कुछ नई चीज़ें भी आपको मिल सकती हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताएं नहीं हैं। खास बात ध्यान रखें, नहीं शब्द को विशेष फोकस करें, शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताएं नहीं हैं। 3-4 कथन दिए गए हैं, इनमें से 4 में से कौन कौन से कथन शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताएँ नहीं है। यह केवल मात्र व्यक्तियों का समूह न होकर एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, ये पहला कथन। ये विशेषता है या नहीं इस पे आप विचार करें। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, यह दूसरा कथन। शैक्षिक प्रबंधन मूर्त होता है, यह तीसरा कथन। और शैक्षिक प्रबंधन कला व विज्ञान दोनों है, यह चौथा कथन। इन चारों कथनों पर आप विचार कीजिए और इनमें से विचार ये कीजिए कि कौन कौन से इनमें से कथन शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताएं नहीं है। तो आप जब इन बिंदुओं पर विचार करेंगे तो ए, बी, सी, डी के 4 ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं। ए में 1 और 2, बी में केवल 3, सी में केवल 4 और डी में केवल 3 और 4। इस पर विचार करते हुए जब हम इनके प्रश्नों के उत्तर की ओर बढ़ें तो आप अगर कुछ और समय चाहते हैं तो इस वीडियो को पॉज करके इसका उत्तर सोच सकते हैं। हम इसके उत्तर की डिस्कस करते हैं, समझिए आप इसका आंसर निकालते हैं कि जब हम देखते हैं कि यह केवल मात्र व्यक्तियों का समूह न होकर एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, तो ये वास्तव में एक प्रक्रिया है। शैक्षिक प्रबंधन वास्तव में एक प्रक्रिया होती है, यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। शैक्षिक प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया है जो कि समाज की बहुत सारी इकाइयां इसमें जुड़ी हुई हैं। स्कूल, शिक्षा, व्यक्ति, मानव, ये सब समाज की एक इकाई है, इसलिए यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। शैक्षिक प्रबंधन मूर्त होता है। जब आप इस
कथन पे विचार करेंगे तब आप देखेंगे कि शैक्षिक प्रबंधन मूर्त नहीं होता है, क्योंकि शैक्षिक प्रबंधन दिखाई नहीं देता है, ये अमूर्त होता है जिसका कोई रूप, कोई रंग, कोई आकार नहीं होता, बल्कि ये तो एक प्रोसेस है जो कभी दिखाई नहीं देती। इसलिए ये कथन वास्तव में, ये तीसरे वाला कथन वो गलत है, ये इसकी विशेषता नहीं है। फिर हम जब चौथा देखते हैं कि शैक्षिक प्रबंधन कला व विज्ञान दोनों है, तो शैक्षिक प्रबंधन वास्तव में कला और विज्ञान दोनों होता है। तो हम पाएंगे कि इसकी विशेषता, ये इसकी विशेषता है, ये इसकी विशेषता है और ये इसकी विशेषता है, और ये इसकी विशेषता नहीं है पूछा है, इसका मतलब केवल तीन इसकी विशेषता नहीं है। तो केवल तीन का उत्तर आंसर नंबर बी, इसका सही उत्तर होगा बी, शैक्षिक प्रबंधन मूर्त होता है, ये इसकी विशेषता नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नियमित मूल्यांकन करने से कमजोरियों एवं गलतियों में सुधार किया जा सकता है एवं उनकी पुनरावृत्ति रोकी जा सकती है, यह शैक्षणिक प्रबंधन के किस कार्य के अंतर्गत आता है? यह आपके सामने प्रश्न है। आप इस प्रश्न के चार ऑप्शन को सुनिए, ए में संप्रेषण, बी में आदेश, सी में समन्वय और डी में नियंत्रण। इन चारों उत्तरों में से, चारों प्रकार के ऑप्शंस में से आप इसका सही आंसर क्या होगा इस पर आप विचार कीजिए कि नियमित मूल्यांकन करने से कमजोरियों एवं गलतियों में सुधार किया जा सकता है एवं उनकी पुनरावृत्ति रोकी जा सकती है, यह शैक्षणिक प्रबंधन के किस कार्य के अंतर्गत आता है? यह प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जब आप इस पर विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि संप्रेषण असल में शैक्षिक प्रबंधन, ये चीजें शैक्षिक प्रबंधन के कार्य के अंतर्गत शामिल नहीं है, संप्रेषण में शामिल नहीं है, आदेश में भी शामिल नहीं है, समन्वय में भी शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा नियंत्रण। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर नियंत्रण। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम, और अगले प्रश्न में समझिए कि शैक्षिक प्रबंधन के मूल तत्वों में सम्मिलित तत्वों का सही युग्म है। सही युग्म कौन सा है? चार शब्द आपके सामने हैं और इन चारों शब्दों के आधार पर आप एबीसीडी का आंसर दीजिए कि शैक्षिक प्रबंधन के मूल तत्वों में सम्मिलित तत्वों का सही युग्म है, निर्णय लेना, समस्या समाधान, मानवीय संबंध और संचार। तो शैक्षिक प्रबंधन के मूल तत्वों में कौन कौन से शामिल हैं? निर्णय लेना है कि नहीं है, समस्या का समाधान इसमें किया जाता कि नहीं किया जाता, मानवीय संबंधों को ध्यान में रखा जाता कि नहीं रखा जाता, और संचार, संप्रेषण, आपसी कम्युनिकेशन, वो इसमें होता कि नहीं होता। तो जब आप शैक्षणिक प्रबंधन की बात करते हैं तब आप पाते हैं कि एक, दो, तीन और चार, और वो चारों ही चीज़ें शैक्षिक प्रबंधन के मूल तत्वों में शामिल होती है। तो इसका सही उत्तर एक, दो, तीन और चार का मतलब सही उत्तर होगा इसका डी, डी इसका सही उत्तर होगा, एक, दो, तीन और चार। देखें अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगले प्रश्न में समझिए कि समुदाय को विद्यालय के निकट लाने का उपाय नहीं है, कौन सा उपाय नहीं है जिससे समुदाय को विद्यालय से जोड़ा जा सके, उनमें से उपाय नहीं है पे विचार करना है। ए में अभिभावक शिक्षक बैठक, अभिभावक शिक्षक बैठक होती है उससे समुदाय विद्यालय के नजदीक आता या नहीं आता, विद्यालय प्रबंधन समिति SMC, विद्यालय प्रबंधन समिति में वार्ड पंच होता है, उसके अभिभावक बच्चों के उसके सदस्य होते हैं, तो उससे विद्यालय और समुदाय वो नजदीक आते कि नहीं आते। क्षेत्र भ्रमण, जब क्षेत्र का भ्रमण किया जाता है तो उससे नजदीक आते कि नहीं आते, और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है तो वहां पे जुड़ाव स्कूल का समुदाय से, समाज के साथ, बाहरी लोगों के साथ होता है नहीं होता, इस पे विचार करना है। ए में एक, दो और तीन, बी में दो, तीन और चार, सी में एक, तीन और चार और डी में इनमें से कोई नहीं। समझिए कि उपाय नहीं है पूछा है, इस नहीं पे विशेष ध्यान दें, उपाय नहीं है। तो जब आप इसको देखेंगे तो पाएंगे कि स्कूल और समाज का जुड़ाव करने वाली संस्थाओं में अभिभावक शिक्षक बैठक, और जब अभिभावक और शिक्षकों की बैठक होती है, जब टीचर्स गार्जियंस के साथ मिलकर बैठ के चर्चा करते हैं स्टूडेंट्स के संबंध में, तो असल में समाज और स्कूल दोनों नज़दीक आते हैं, उससे जुड़ाव हो जाता है। तो ये इसका उपाय वास्तव में है, ये उपाय है। फिर विद्यालय प्रबंधन समिति SMC,
चूँकि अभिभावक इसके सदस्य होते हैं, वार्ड पंच और क्षेत्र के प्रतिनिधि उसके सदस्य होते हैं, तो समाज का जुड़ाव विद्यालय से हुआ, तो ये भी इसका उपाय है। क्षेत्र भ्रमण, जब हम क्षेत्र का भ्रमण करते हैं तो क्षेत्र के भ्रमण की वजह से भी विद्यालय समाज के नज़दीक आता है, ये भी इसका उपाय है। और डी में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, कल्चरल प्रोग्राम्स करते हैं तो गांव के लोग जब विद्यालय से जुड़ते हैं तो उससे भी वो समुदाय और स्कूल के बीच की दूरी कम हो जाती है, तो ये भी इसका उपाय है। इसका मतलब ये चारों इसके उपाय हैं। और प्रश्न पूछा है निकट लाने का उपाय नहीं है, तो नहीं है का मतलब इनमें से कोई नहीं है, तो उत्तर इसका होगा इनमें से कोई नहीं। देखें आगे का प्रश्न समझिए, क्वेश्चन नंबर 5 कि विकेंद्रीकृत आयोजन के तहत स्थापित इकाई है, विकेंद्रीकृत आयोजन के तहत स्थापित इकाई है, पहला ब्लॉक संसाधन केंद्र BRC, बी में क्लस्टर रिसोर्स सेंटर CRC, सी में स्कूल मैनेजमेंट समिति SMC और डी में उपयुक्त सभी। तो विकेंद्रीकृत आयोजन के तहत स्थापित इकाई है, इनमें से कौन सी इकाई है जो विकेंद्रीकृत आयोजना के तहत स्थापित की गई है, तो आप इसका सही उत्तर खोजिए और इसका उत्तर दीजिए। देखिए जब हम देखेंगे तो BRC, CRC और SMC ये तीनों ही असल में विकेंद्रीकृत आयोजना के भाग होते हैं, उसका हिस्सा होते हैं, उनके तहत उनकी स्थापना इसकी की गई है, इन इकाइयों की स्थापना इसी के तहत की गई है, तो इसका मतलब यह है इसका उत्तर होगा सही डी, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है और प्रश्न नंबर 6 में कहा गया है कि विकेंद्रीकृत शैक्षिक प्रबंधन के दोष हैं, कौन सा इसका दोष है, इस दोष शब्द को विशेष ध्यान दें, विकेंद्रीकृत शैक्षिक प्रबंधन के दोष हैं विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता, पहला कथन अनुशासनहीनता तथा अराजकता का भय, दूसरा कथन स्थानीय क्षेत्र संबंधित असमानता में निरंतर वृद्धि, ये तीसरा कथन। हम जब तीनों कथन देखेंगे तो दोष को हम ढूंढ रहे हैं कौन कौन से दोष हैं, तो आपके उस उत्तर में देखिए ए ऑप्शन में केवल एक और दो, बी ऑप्शन में 2 और 3, सी ऑप्शन उसमें 1 और 3 और डी ऑप्शन में 1, 2 और 3। तो इसके दोष की बात करते हैं तो देखिए विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता, विकेंद्रीकृत शैक्षिक प्रबंधन के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, सामान्य प्रशिक्षण से काम नहीं चल सकता, इसलिए इसके लिए विशिष्ट रूप से प्रशिक्षण होना आवश्यक है ताकि उसको लागू किया जा सके, उसको क्रियान्वित किया जा सके, उससे फॉलो किया जा सके, और ये इसके दोष में शामिल हो जाता है। अनुशासनहीनता तथा अराजकता का भय, विकेंद्रीकृत शैक्षिक प्रबंधन का एक दोष ये भी है कि इसमें अनुशासनहीनता और अराजकता इसका भय लगातार बना रहता है, तो ये भी इसके दोष में शामिल है। और स्थानीय क्षेत्र संबंधी असमानता में निरंतर वृद्धि, ये भी इसका दोष है। तो असल में इसका सही उत्तर होगा डी, 1, 2 और 3। देखें साथियों अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न संख्या 7 में आप देखें विकेंद्रीकृत शैक्षिक प्रबंधन के विषय में असत्य कथन है, विकेंद्रीकृत शैक्षिक प्रबंधन के विषय में असत्य कथन की पहचान करनी है तो इस शब्द पर विशेष गौर कीजिएगा। असल में जब भी आप किसी प्रश्न का उत्तर दें तो असल में विद्यार्थी परीक्षा की घबराहट में भी और कभी कभी भूलवश भी उस प्रश्न में यूज किए गए एक ऐसे कीवर्ड को अवॉइड कर देता है या ज़्यादा ध्यान नहीं देता कि उसकी वजह से उसको, हालांकि वो प्रश्न पूरी अच्छे तरीके से आ रहा होता है लेकिन बावजूद इसके उसका वो प्रश्न गलत हो जाता है। यदि आप इस असत्य शब्द को विशेष गौर नहीं करेंगे, विशेष फोकस नहीं करेंगे तो आपका ये प्रश्न का उत्तर गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान दें विकेंद्रीकृत शैक्षिक प्रबंधन के विषय में असत्य कथन है। कौन सा कथन असत्य है समझिए, इससे विद्यालय कार्यक्रमों में आवश्यकता अनुसार जन सहयोग को बढ़ावा मिलता है, पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन वित्तीय प्रबंधन में सामूहिक सहयोग द्वारा आसानी, सी में विकेंद्रीकृत शैक्षिक प्रबंधन में कार्य विलंब से प्रारंभ होता है, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन विद्यालय के विकास हेतु अभिभावकों की सहभागिता में वृद्धि होती है।
तो देखिए, असत्य कथन की पहचान करनी है हमें कि इसमें असत्य कौन से वाला है। तो देखिए, इसमें विद्यालय कार्यक्रमों में आवश्यकता अनुसार जन सहयोग को बढ़ावा मिलता है, ये कथन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जैसे हम विकेंद्रीकृत शैक्षिक प्रबंधन करेंगे, उनमें लोगों को जोड़ेंगे, तो उससे जन सहयोग को बढ़ावा मिलता है। ये सही कथन है, सत्य कथन है। फिर वित्तीय प्रबंधन में सामूहिक सहयोग द्वारा आसानी, ये इससे भी सामूहिक सहयोग से चूंकि आसानी होती है, तो ये भी इसका सत्य कथन है। विकेंद्रीकृत शैक्षिक प्रबंधन में कार्य विलंब से प्रारंभ होता है। इस वाक्य को गौर से पढ़िए, विलंब से शुरू होता है, और असल में विकेंद्रीकृत शैक्षिक प्रबंधन के कार्य विलंब से शुरू नहीं होता है, ये इसका असत्य कथन है। और फिर डिडे के विद्यालय के विकास हेतु अभिभावकों की सहभागिता में वृद्धि होती है, ये भी इसका सही कथन है। तो असत्य कथन पूछा है और असत्य कथन ये है, तो सही इसका उत्तर हो जाएगा सी। देखिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, उससे पहले देखिए, विकेंद्रीकृत शैक्षिक प्रबंधन से शाला में कोई भी कार्य बिना विलंब के प्रारंभ हो जाता है, बिना किसी विलंब के, तो विलंब नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए, संस्थागत नियोजन नहीं होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, इस नहीं को विशेष ध्यान देना है, नहीं होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए, विकासशील नहीं होना चाहिए, समस्या केंद्रित नहीं होना चाहिए, या विशेषता लिए हुए नहीं होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। तो असल में देखें, विकासशील होना चाहिए, समस्या केंद्रित होना चाहिए, विशेषता लिए हुए होना चाहिए, और क्या कठोर होना चाहिए। संस्थागत नियोजन जब कठोर हो जाएगा तो वह संस्थागत नियोजन कभी भी सफल नहीं हो सकता, इसलिए वो कठोर नहीं होना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा ए, वो कठोर नहीं होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, कि जिसमें आसानी से कभी भी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सके। देखिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, समझिए इसका व्याख्या, संस्थागत नियोजन कठोर न होकर लचीला होना चाहिए तथा समुदाय के सहयोग पर आधारित व मानवीय प्रयासों को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। देखिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9, और समझिए, भारत में सर्वप्रथम संस्थागत नियोजन की सिफारिश की गई थी। संस्थागत नियोजन की सबसे पहली बार सिफारिश कौन से कमीशन ने की, कौन से आयोग ने की, समझिए। ए ऑप्शन है मुदालियर शिक्षा आयोग, बी में है राधाकृष्णन आयोग, सी में है कोठारी शिक्षा आयोग, और डी में है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इनमें से कौन से कमीशन के द्वारा, किसके द्वारा और संस्थागत नियोजन की सिफारिश की गई, और वो भी सबसे पहली बार। तो देखिए, जब हम आप इसके उत्तर को ढूंढने की कोशिश करेंगे, आपने इसका उत्तर खोज लिया होगा, देख लिया होगा, तो देखिए इसका उत्तर की ओर हम बढ़ते हैं, और आप इसका उत्तर जब ढूंढेंगे तब आप पाएंगे कि इसका सही उत्तर है मुदालियर शिक्षा आयोग। मुदालियर शिक्षा आयोग आप जानते हैं 1952-53 में आया, राधाकृष्णन आयोग 1948 में आया, और कोठारी आयोग वो 1964 में आता है। तो इन आयोगों का आप पढ़ चुके होंगे, और कौन कौन से आयोगों ने कौन कौन सी सिफारिश की, ये भी आपने पढ़ा होगा। संस्थागत नियोजन के संबंध में आप जानते हैं कि मुदालियर कमीशन वो सिफारिश करता है सबसे पहली बार। मुदालियर शिक्षा आयोग 1952-53 ने इसका विद्यालय समुन्नयन योजना नाम रखा। इस संस्थागत नियोजन का नाम मुदालियर शिक्षा आयोग ने समुन्नयन, विद्यालय समुन्नयन योजना, इसका नाम रखा था। देखिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, कि संस्थागत नियोजन की विशेषता नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है, नहीं को फिर ध्यान रखिए। उद्देश्यों व लक्ष्यों का पूर्व निर्धारण, बी में अधिकतम उपयोगिता का उद्देश्य, सी में है सहकारी प्रवृत्ति, और डी में है संस्था प्रधान की हठधर्मिता। तो जब आप इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो बहुत सरल सी बात है, एक निगेटिव बात है वो इसमें आ जाएगी, कि कौन सी इसकी विशेषता नहीं है।
संस्थागत नियोजन में जैसा कि आप जानते हैं उद्देश्य और लक्ष्यों का पूर्व निर्धारण होता है, ये विशेषता है इसकी। अधिकतम उपयोगिता का उद्देश्य इसमें होता है कि अधिकतम उपयोगिता की जा सके। फिर सहकारी प्रवृत्ति, सहकारी मतलब सभी को साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति, पूरे समाज के साथ जुड़ाव की प्रवृत्ति वो इसमें होती है। लेकिन संस्था प्रधान की हर धर्मिता वो इसमें शामिल नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। देखिए प्रश्न संख्या 11 की बात हम करते हैं। संस्था प्रधान संस्थागत नियोजन की मुख्य कड़ियों में से एक है, अतः उसका हठधर्मी होना वो संस्थागत नियोजन को सफल नहीं बना सकता। देखिए प्रश्न संख्या 11, संस्थागत नियोजन की आवश्यकता होती है। तीन कथन यहां दिए गए हैं। पहला कथन, प्रत्येक विद्यालय द्वारा अपने स्तर पर अपने विकास संबंधी कार्यों के सुनियोजित संचालन के लिए, पहला ऑप्शन। दूसरा, शिक्षा योजना को सही दिशा प्रदान करने के लिए। तीसरा, शैक्षिक विकेंद्रीकरण को कम करने के लिए। कौन सा इसमें कथन होंगे, आप इसके उत्तर को की ओर बढ़ें, उसका उत्तर टिक कीजिए, ध्यान से पढ़ें। फिर भी आपको चूंकि बड़े ऑप्शंस हैं, अगर समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। आप ए ऑप्शन में है केवल एक और दो, बी ऑप्शन में है दो और तीन, सी में है एक और तीन, और डी में है एक, दो और तीन। जब आप इसकी आवश्यकता की बात करते हैं कि संस्था नियोजन की आवश्यकता क्या है, तो देखिए प्रत्येक विद्यालय द्वारा अपने स्तर पर अपने विकास संबंधी कार्यों के सुनियोजित संचालन के लिए, तो निश्चित तौर पे संस्था नियोजन की ही आवश्यकता होती है। दो में देखिए शिक्षा योजना को सही दिशा प्रदान करने के लिए, और संस्थागत नियोजन शिक्षा योजना को सही दिशा प्रदान करता है, तो ये भी इसकी आवश्यकता है। तीसरा, शैक्षिक विकेंद्रीकरण को कम करने के लिए। संस्थागत नियोजन कभी शैक्षिक विकेंद्रीकरण को कम नहीं करता है, बल्कि वो समाज को और ज़्यादा उनके साथ जोड़कर उसे और ज़्यादा विकेंद्रीकृत करता है। तो ये कम करने के लिए नहीं है बल्कि बढ़ाने के लिए है, अतः ये इसकी आवश्यकता नहीं है। तो देखें एक और दो, और एक और दो के लिए ऑप्शन नंबर एक, संस्थागत नियोजन की आवश्यकता एक और दो, ये है। आज का अंतिम प्रश्न और 12वां प्रश्न आप सभी के सामने है। देखिए उससे पहले आप यह समझ लीजिए कि संस्थागत नियोजन में शैक्षिक विकेंद्रीकरण को बल मिलता है, विकेंद्रीकरण बढ़ता है उसमें। आप जब 11वां प्रश्न देखते हैं और देखते हैं कि संस्थागत नियोजन की आवश्यकता में, तो इसमें विकेंद्रीकरण को कम करने की बात की गई, जबकि आप देखेंगे कि असल में शैक्षिक विकेंद्रीकरण को इससे बल मिलता है। जनतांत्रिक आधार पर विद्यालय, परिवार, शिक्षक, शिक्षार्थी, प्रधानाध्यापक एवं अभिभावक सभी का विश्वास प्राप्त कर योजना बनाना एवं सफल क्रियान्विति का प्रयास करना। शिक्षा में सुधार के लिए ऐसी योजना का निर्माण जो संपूर्ण राष्ट्र की प्रगति और उन्नति के अनुकूल हो, यह संस्थागत नियोजन की आवश्यकता। फिर देखें शिक्षा योजना को सही दिशा प्रदान करने के लिए संस्थागत नियोजन की आवश्यकता होती है। और फिर अध्यापक की स्वतंत्रता एवं रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए जरूरी है। तो ये विभिन्न प्रकार के संस्थागत नियोजन, उनकी आवश्यकता क्या है, उनके उद्देश्य क्या है, वो हम समझ सकते हैं कि ये इसके उद्देश्य है, उनकी आवश्यकता है। फिर देखिए विद्यालय, 12वां प्रश्न, विद्यालय वार्षिक योजना का सबसे महत्वपूर्ण खंड जिसमें वर्तमान सत्र की कार्यक्रम वार योजना का उल्लेख होता है कौन सा है, ये ध्यान रखें। कौन सा खंड इस वार्षिक योजना का जिसमें वर्तमान सत्र की कार्यक्रम वार योजना का उल्लेख होता है, वर्तमान सत्र की कार्यक्रम योजना, खंड प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड और चतुर्थ खंड। जब आप इसको पढ़ेंगे तब आप पाएंगे इसका उत्तर। आप खोजने का प्रयास करें, आप प्रयास करेंगे पहले खंड में याद करने की कोशिश करें, पहले खंड में क्या क्या है, दूसरे खंड में क्या क्या है और तीसरे खंड में क्या क्या है। जब आप इसको खोजेंगे तब आप पाएंगे कि असल में वर्तमान सत्र की कार्यक्रम वार योजना वो तीसरे खंड में होती है, तृतीय खंड में होती है। तो पहले खंड में क्या होता है, तो देखिए समझिए, जब आप संस्थागत नियोजन के प्रारूप को समझेंगे, योजना के प्रारूप को, तो आप पाते हैं कि उसके पहले खंड में विद्यालय का सामान्य परिचय होता है, जैसे विद्यालय का नाम, वो कहाँ पे है, उसके नामांकन की स्थिति क्या है, उसमें आधारभूत सुविधाएं क्या क्या हैं,
फिर उसमें परीक्षा परिणाम उसका कितना रहा, कैसे रहा, आर्थिक संसाधन उसमें कौन कौन से हैं, फिर संस्था प्रधान का नाम क्या है और उसकी योग्यता क्या है, और विद्यालय परिवार उसकी योग्यता, स्कूल के जितने भी स्टाफ टोटल टीचर्स, उन सब की चीज का परिचय, उसमें सबका नाम, उनकी योग्यताएँ, वो सब उसमें दर्ज होती है। ये उसका पहला खंड है। फिर देखें इसके दूसरे खंड की ओर बढ़ते हैं। दूसरे खंड की ओर बढ़ेंगे तो देखेंगे कि उसमें क्षेत्रवार और कार्यक्रमवार उपलब्धियां वो दी गई है और वार्षिक योजना की उपलब्धियों का लेखा जोखा इस खंड में होता है। अब देखें क्षेत्रवार और कार्यक्रमवार उपलब्धियां, आप जानते हैं कि उपलब्धियों का मतलब उपलब्धियां होती है पीछे के समय की, कि पीछे हमने क्या किया। तो गत सत्र में, पिछले सत्र में हमारी जो भी शैक्षणिक जो भी उपलब्धियां रही, उन उपलब्धियों का जिक्र वो दूसरे खंड में होता है। और तीसरे खंड की आप देखिए वर्तमान सत्र की विद्यालय की योजनाएं, वर्तमान सत्र में विद्यालय क्या करने वाला है वो योजना इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग यही है। इसमें वर्तमान सत्र की योजनाओं का उल्लेख किया जाता है। अब आप पिछले प्रश्न पर चलिए, इसमें पूछा है कि वर्तमान सत्र की कार्यक्रम वार योजना, तो असल में वर्तमान सत्र की कार्यक्रम वार योजना तीसरे खंड में होती है, इसलिए इसका सही उत्तर तीसरा खंड। साथियों आज के ये 12 प्रश्न हमने किए, जिसके तीन बिंदु कौन कौन से बिंदुओं में से, कौन कौन से टॉपिक्स में से हमने लिए उसकी बात हमने की, और चूंकि आपके लिए अब समय कम है और मात्र 50 दिन का समय आपके पास बचा है, बल्कि 50 से भी कम समय, दिन से भी कम समय का समय आपके पास बचा है, इसलिए हम इस वीडियो में, आगे भी जो वीडियो आएंगे उनमें किसी भी प्रकार की अतिरिक्त बात हम नहीं करेंगे, वो बचने का प्रयास करेंगे हम किसी भी प्रकार की अतिरिक्त बातों से, और सीधे आपके लिए परीक्षा उपयोगी जो भी चीज़ें सामग्रियाँ हैं उनको थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए, क्योंकि आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए अगर हम थोड़ा सा भी समय खराब करते हैं यहाँ पे अन्य किसी भी बात पर, तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। अगली क्लास में हमारी जो क्लास होगी मैनेजमेंट की, उसमें कौन कौन से पाठ्यक्रम में, कौन कौन से विषय, कौन कौन से टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे वो आप नोट कर लीजिए। विद्यालय प्रबंधन समिति SMC, शाला मानचित्रण और राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य, प्रबंधन एवं प्रकाशन प्रशासन, ये तीन टॉपिक्स हैं जिनकी हम अगली क्लास में, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप इन टॉपिक्स की पहले से तैयारी कर लें अच्छे से, हम अगले वीडियो में इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आज के ये 12 प्रश्न आपकी तैयारी में निश्चित तौर पे लाभदायक होंगे, आप इनसे लाभान्वित होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी और आप अच्छे तरीके से बचे हुए समय का सदुपयोग करें, अच्छे तरीके से और अच्छे जुनून के साथ, लगन के साथ, पूरे मनोभाव के साथ, समर्पण भाव के साथ तैयारी करते रहें। इसी आशा और उम्मीद के साथ अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।